नमस्कार, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो फिर चलिए जल्दी से जल्दी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लाउज लिया है। अब हम करेंगे इसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लेनी है हमें इसकी हाइट। हमें हाइट यहाँ पे जो शोल्डर की सिलाई है वहां से यहाँ नीचे तक लेनी है। बारह इंच इसकी हाइट है। 12 इंच हमें ये सब नापे लिख के लेनी है। यहां से यहां तक हमें शोल्डर चेक करना है। यहां से यहां तक ये आ गया 10 और इसका हाफ आएगा 5 इंच। मतलब हम लेते हैं चेस्ट। चेस्ट के लिए हमें ब्लाउज को उल्टा करना है। ये देखिए, इस सिलाई से इस सिलाई तक हमें नाप लेना है चेस्ट का। ये देखिए, उन्नीस इंच, मतलब इसका डबल आएगा 38 इंच। अब हम लेते हैं फ्रंट साइड और बैक साइड का गला। गला लेते समय हमें ये जो शोल्डर है यहां से यहां तक क्रॉस में हमें टेप लगाना है और नाप लेना है। ये देखिए, यहां से यहां तक ये जो गला है ये 6 इंच है और बैक साइड का भी हमें ऐसे ही लेना है। ये शोल्डर से यहां तक बैक साइड का गला है 8.5 इंच। कमर भी हमें ऐसे ही लेनी है। ये जो यहाँ पे सिलाई एंड हुई है यहां से इस सिलाई तक कमर है 31 इंच। अब हम लेते हैं आर्म होल। यहां से नीचे हमें टेप लगाना है यहां से। और ये देखिए, यहाँ पे सिलाई एंड हुई है, मतलब ये जो है वो आर्म होल 5.5 इंच है। यहां से ऐसी सीधी लाइन देंगे तो ये 5.5 इंच पर आएगा। स्लीव्स की लंबाई लेंगे अब हम यहां से यहां तक 5.5 इंच है स्लीव्स की लंबाई और इसकी गोलाई आप चेक करते हैं। स्लीव्स की गोलाई 6 इंच और उसका डबल 12 इंच। तो इस तरह से हमारी ब्लाउज की नापे लेकर हो गई है। अब आप आसानी से आप ब्लाउज के नापे ले सकते हो। तो फिर कैसा लगा वीडियो? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, आपके कोई भी डाउट हो गए तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।